asalaamu As alaikum and welcome to all of those who watch my video regularly and also to those who have come here for the first time to my channel and i will request those people who have come here to uh, first time to my channel uh, to please subscribe this channel and for further videos so guys this video urdu me hone to So, to yaar thoda mujhe intro to english so de. i was getting a lot of ideas to what to on which topic to make i should make videos so i decided i thought about it and i was really motivated to make video today and uh, i wanted to share my life story I was the story of my life and everybody goes through up and down in his life and i went through a lot of ups and downs in my life i think i have went uh, the pops and down in my life i will explain to it to you almost i am 24 years old now I've, I, my age is almost 24 years so in 5 to 6 days i will be of 24 so In my 24 years of age, I have gone through many ups and downs in my life. But I will discuss those in any other video. So today, to start with the video today, I will discuss with you how to write a letter, how to write a letter. So first of all, so we start with the basics. And for the basics, now we will shift into Urdu mode, okay? So guys, uh, letter लिखने से पहले क्या करना है? आपने letter कैसे लिखते हैं? इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए letter क्या होता letter? Letter क्या होता होता क्या? Letter होता आपने किसी को भी अपनी ऑबियसली कि आपने अपनी बात पहुंचानी है कि लेटर में हथ में हथ होता है शॉर्ट मैसेज ठीक है रिटर्न मैसेज को लेटर बोलते हैं ठीक है तो रिटर्न मैसेज में आपने पहले तो बताना होता है कि रिटर्न मकसद क्या लिखने का तो मैं एग्जैक्टली exactly आपको आयल्थ फॉर्मेट के मुताबिक बताऊँगा क्योंकि ऑबियसली तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है ठीक है क्वेश्चन को समझना अंडरस्टैंड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इफ़ यू नॉट राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स एट ऑल so that's the most important thing so you have to be aware of that okay now hum ab topic padhenge ab hum topic padhenge kya hai miss barrett an english speaking woman who lives in your town yani ek english speaking woman hai wo aapke town mein rehti hai has advertised for someone to help her in her home उसने एडवर्टाइजमेंट दी है कहीं पे भी, भी हो सकती है उसने मेंशन नहीं किया एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर दी है कि उसे एक बंदा चाहिए जो उसके कार के कामों में हेल्प करे यानी घर में हेल्प करे ठीक है फॉर फ्यू अ डे यानी कुछ घंटे दिन में नेक्स्ट समर अगली गर्मियों में ठीक हो गया अब सारी चीजों को माइंड में रखना है चीज़ें होगी तो क्वेश्चन समझ आ गया एक बंदी है उसने एडवर्टाइज किया मिस बैरेट है उसका नाम उसने एडवर्टाइज किया है कि उसको घर में एक बंदे की हेल्प की जरूरत है तो वो बंदे बदला चाहिए कुछ घंटे के लिए दिन में काम चाहिए तो हर चीज को ना मतलब इसके मुताबिक लिखना है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन को आंसर करना होता है जब आप आंसर देते हैं तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू आंसर सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द रीड द अदर क्वेश्चन इन द क्वेश्चन सॉरी इन दैटर क्वेश्चन राइट अ लेटर टू मिस बैरट इन योर लेटर सजेस्ट हाउ यू कुड हेल्प फॉर इन हर होम अब पहला पॉइंट क्या लिखना है हमें लेटर तो लिखना है मिस बैरिट को लेकिन हमने क्या बताना है साथ फर्स्ट थिंग वी हैव टू टल हर कि हम सजेस्ट हाउ यू कुड हेल्प फॉर इन होम यानी आपकी स्किल्स क्या हैं आपकी कबलीत क्या है आप क्या क्या, क्या कर सकते हैं तो उनको बताना है कि आप क्या करेंगे या कैसे हेल्प करेंगे उनकी तो सेकंड बुलेट पॉइंट है आपके पास से व्हाई यू वुड लाइक टू डू दिस वर्क उनको बताएं कि आप यह काम क्यों करना चाहेंगे ठीक है पहले बताना कर क्या क्या सकते हैं उसके बाद बताना कि आप ये काम करेंगे क्यों ठीक है मतलब आपको क्यों जरूरत है पैसों की या कोई और वजह आप क्यों ये काम करना चाहते हैं ठीक है उसके बाद लास्ट बुलेट पॉइंट है एक्सप्लेन व्हेन यू विल एंड विल नॉट बी अवेलेबल अब उसने जैसे कहा है कि फ्यू आवर्स अ डे तो आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं कि आप जो है आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है तो उसके मुताबिक कब आपको फ्री टाइम है तो आप बता दें लेटर में कि जी मैं इस टाइम फ्री होता हूँ तो आप उनको बताएं डिटेल में अब आंसर जब इसको मैं मॉडल आंसर आपको एक्सप्लेन करूँगा ना ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो कि क्या क्या करना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू दिस बेसिक आइडिया एंड दैन वी विल मूव टूवर्ड्स द मॉडल आंसर बेसिक आइडिया आई विल एक्सप्लेन यू अच्छा देखें पैराग्राफ लिखने हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ वन बॉडी पैराग्राफ टू बॉडी पैराग्राफ थ्री उसके बाद आपने एक सिंपल कंक्लूजन लाइन लिख दें कि आई हो आई एम आई होप टू रिप्लाई टू हियर रिप्लाई फ्रॉम यू सून ठीक है आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ठीक है इस तरह का लाइन लिख दें फॉर एक्जाम्पल आपने अपने ये फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले सॉरी मैं बात बताना बोलिए तो ये फार्मल लेटर है तो इसमें जब स्टार्ट करना है तो आप इस बंदी को जानते नहीं है तो आपने इसको ना ग्रीटिंग्स वगैरह नहीं करनी ठीक है इन चीज़ों का ध्यान रख लेना मैं आंसर पढ़ूंगा मॉडल सब कुछ क्लियर हो जाएगा फार्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है फॉर्मल जो लेटर होता है यू राइट इट टू द पर्सन हु यू डोंट नो जिसको आप नहीं जानते होते फॉर एग्जांपल किसी कह लें कि किसी बैंक का मैनेजर है किसी बैंक में आपका कोई रकम फंसी तो उसके निकलवाने के लिए आपने लेटर लिखना था वो चीज़ है आपका कोई फॉर्ज आने वाला है फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट में आपका टिकट मिस या फ्लाइट मिस हो गई तो उसके बारे में आपने कंप्लेन करनी है तो फॉर एग्जांपल उसके एयरपोर्ट के मैनेजर को हेड को लिख रहे हैं तो आप फॉर्मल लेटर लिख रहे होंगे ठीक है किसी भी ऐसे बंदे को जिसको आप नहीं जानते ठीक है उसके बाद आ जाती है बात के न, अब अगला स्टेप जो है हम हाँ इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है अपना जो है ना लेटर लिखने का रीजन बताना है ठीक है आई एम राइटिंग यू दिस लेटर एज आई हैव रेड यूर ऐड ठीक है इस तरह मिसाल दे रहा हूँ रेड योर एड सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब सो so, आगे बस इतना ही लिखते हैं तो है ठीक है इंट्रोडक्शन में इतनी लाइन लिख दें जस्ट इंट्रोडक्शन में ये शो करना है कि आपका मकसद क्या लेटर लिखने का ठीक है थीके? अब इसने क्या लिखा है अब उसने एडवर्टाइजमेंट किया तो आप लिखें कि आई आई एम एम एज इंटरेस्टेड इन योर जॉब आई हैव रेड योर एडवर्टाइजमेंट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर जॉब एंड आई एम राइटिंग इन दिस रिगार्ड ठीक है मैं इस वजह से लिख रहा हूं आपको तो ये आप कर दो दैट इज इनफ इन द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ अब आगे हमने बॉडी पैराग्राफ पैराग्राफन टू थ्री में क्या करना है जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट होगा उसको हमने जो है फ़र्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है और सेकेंड बुलेट पॉइंट को सेकेंड पैराग्राफ में थर्ड बुलेट पॉइंट को आपने थर्ड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है देखिए इंट्रोडक्शन में ना बस वो बता दिया एक लाइन में दो लाइन डेढ़ लाइन में कि आपने क्यों लेटर लिख रहे हैं वो बहुत है बाकी जो बुलेट पॉइंट्स आप इनको डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है तो लेटर की जो लेंथ है वो वन फिफ्टी वर्ड से कितनी होनी चाहिए टू हंड्रेड वर्ड्स तक हो सकती है टू हंड्रेड से बाप भी जाते हैं मैक्सिमम लेंथ का आ, कोई इशू नहीं है ठीक है तो कम से कम कोशिश करें टू टू ट्वेंटी से कभी ऊपर ना जाए कुछ बंदे होते हैं कंप्यूटर बेस्ड अब टेस्ट देते हैं तो उनकी लेंथ ज़्यादा चली जाती है तो नो प्रॉब्लम इन दैट बस कम नहीं होनी चाहिए वन फिफ्टी से मिनिमम वन फिफ्टी वर्ड्स ठीक है उसके बाद अब हम आ जाते हैं स्टार्ट कहाँ से करना है डियर मिस्टर बैरट सॉरी मिस बैरट डियर मिस बैरट हमने यहाँ से स्टार्ट करना है अब मैं आपको मॉडल आंसर करके बताता हूँ अब कुछ बच्चे होते हैं वो एक ही पैराग्राफ में पूरा लेटर लिख देते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं आप लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि आप जो है आ, डिफरेंट पैराग्राफ में मेंशन करें अब मैं आपको इसका सैम्पल आंसर पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि, कि क्या करे क्या है बस आपने सारे एक्सपेक्ट जो हैं क्वेश्चन के वो उनको आंसर करना है और प्रॉपर तरीके से करना है तो आई विड विल बी फाइन ओके सो मैं पढ़ के बता रहा हूँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बिस बैर बिस बैरट माई नेम इज़ Alfon, Alfonso Jose Souza. there is no need to mention your name if you want to mention no problem you can mention but there is no specification or compulsion that you have to mention the, your name. I'm from Colombia. I saw your advertised advertisement that you are looking for someone to help in your home for a few hours a day care next summer. ऑल्सो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी आप बताएं कि आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब यहाँ तक हो गया आपका इंट्रोडक्शन ठीक हो गया अब हम बुलेट पॉइंट नंबर वन पर आएंगे आपने बताया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ आपके लिए मदद मतलब घर में क्या क्या चीज़ों की हेल्प करवा सकता हूँ ओके okay? तो हमने वो चीज़ें अब देखनी है कि क्या है अब वो अब इसने ना एक ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है ठीक है लेकिन हम क्या करेंगे हमारा काम क्या होगा कि हमने इस पैराग्राफ को डिफरेंट करना है जितना पैराग्राफिंग जो है न क्योंकि कोहेशन जो है ना कोहेशन यानी आप आइडियाज़ अरेंज हों आपके तो वो चीज़ उसके भी मार्क्स होते हैं तो आपके आइडियाज़ जो हैं प्रॉपर्ली अरेंज होंगे एक आइडिया एक पैराग्राफ में डिस्कस होगा तो आप ये आपके लिए अच्छा है यू विल गेट मोर मार्क्स विद दिस कहता है जी फ्यू ईयर्स अगो आई वॉज वर्किंग एज अ कुक इन अ होटल सो आई कैन हेल्प यू इन डोमेस्टिक टास्क इन योर हाउस एंड मेड यूर इसने मेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में सैम्पल आंसर है इसने उस बच्चे की ये रील में टेस्ट किसने दिया हुआ है तो उसने लिखा हुआ है तो उसके फाइव पॉइंट फाइव बैंडस है एंड मेड यू एंड मेक योर मील्स होगा ठीक है एंड मेक योर मील्स फॉर ब्रेकफास्ट ठीक है एंड लंच एंड डिनर फर्दर मोर फुल स्टॉप लगा कर फर्दर मोर आई इन्जवाइट टू वर्क इन हॉस्पिटैलिटी एंड कुकरी अब इसने कुकिंग लिखा हुआ है कुकिंग होना चाहिए था यार यहाँ पर और जो है यहाँ पे इसने कुघरी लिखा हुआ अब इसने फर्दर मोर से ना स्टार्ट हो गया वाई यू विल लाइक टू डू दिस वर्क क्योंकि सो कह रहा है मैं इन्जॉय करता हूँ जो सेकंड बुलेट पॉइंट था ना अब इसको सेकंड क्वेश्चन में आंसर करेंगे सेकंड पैराग्राफ में हमने ऐसे का आंसर करना है फर्दर मोर आई इंजॉयड अब इन्जॉय टू वर्क इन हॉस्पिटैलिटी एंड कुकिंग इज माय पैशन कहता मैं इन्जॉय करता हूँ हॉस्पिटैलिटी में काम करना आई इंजॉय यहाँ पे इंजॉयड लिखा हुआ आई इंजॉय आएगा ठीक है एंड कुकरीरी इसने लिखा हुआ है कुकरी कोई वर्ड नहीं होता कुकिंग आंसर है इसका ठीक है कुकिंग इज़ माई पैशन आई लव मेकिंग फूड फॉर एवरी वन दिस मेक्स मी हैप्पी अब यहाँ पे आता है मेक्स ठीक है सिर्फ इसने मेक लिखा हुआ है फुल स्टॉप एक्चुअली आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट तो अब इसने टाइमिंग बताना है वैन यू आर अवेलेबल ठीक है वो अगले पैराग्राफ में अभी ये बात होगी ठीक है इसने वहीं पर लिखा हुआ है एक्चुअली आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट सो आई गो टू द स्कूल इन द साउथ पॉर्ट एट द आफ्टरनून मंडे टू फ्राइडे फ्राम वन थर्टी टू टिल फाइव थर्टी एंड फ्री ऑन वीकेंड मैं फ्री होता हूँ वीकेंड पर आई एम एबल इन द मॉर्निंग्स एंड वीकेंड्स कहता मैं सिर्फ मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ और वीकेंड्स में अवेलेबल हूँ तो थैंक्स फॉर योर टाइम भी लिख सकते हैं इसने लिखा हुआ अगली लाइन पैराग्राफें भी लिख सकते हैं यहाँ पर इसने सामने लिखा हुआ है तो आप नेक्स्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पर थैंक्स फॉर योर टाइम के बजाय आप ये लिख सकते हैं आई एम होपिंग फॉर योर रिप्लाई ठीक है वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ये चीज़ें भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम इन दैट अब काइंड रिगार्ड्स डियर मिस बैरट इसने एंड पे लिखा हुआ है ठीक है आप स्टार्ट में डियर मिस बैरट लिख लें ऊपर ठीक है इसने लिखा हुआ गुड गुड मॉर्निंग मिस बैरिट उससे ऊपर लिख लें डियर मिस बैरट और आगे से स्टार्ट कर दें ये गुड मॉर्निंग वगैरह ना लिखें बेशक कोई मसला नहीं है जिस तरह आपको ईजी लगता है ठीक है जस्ट टू द पॉइंट भी रहेंगे तो कोई मसला नहीं है अच्छा जी अब देखें इसने ना जब सारे पॉइंट्स को एड्रेस किया है असल मकसद ये होता है अब कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि कुछ एक क्वेश्चन का क्या मतलब है तो अब वो रॉन्गली एड्रेस कर देगा सारे पॉइंट्स को तो वो इसी में जाता कि कि एड्रेस नहीं किया सारे पॉइंट्स को तो इसके मार्क्स कट जाते हैं तो गाइज ये थी लेटर की वीडियो मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ्स में आपने लिखना है क्या कैसे पैराग्राफ्स बनाने किस किस चीज़ के पैराग्राफ होने चाहिए और एक सैम्पल आंसर आपको करके बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि, कि कोई इतना बड़ा काम नहीं है बस जो उसने पॉइंट्स दिए हैं वो तो सारा पॉइंट्स पढ़ के तो सारा पता चल जाता है कि क्या हमने करना है तो इसमें तो कोई ऐसी बात रहती नहीं एम्बिगविटी रहती नहीं है आपके माइंड में कि यार क्या लिखना है कि खुद से कोई बना के चीज़ नहीं लिखनी जो उसने सवाल पूछे हैं लेटर में तो वो नहीं के आंसर देने हैं हमने बस ठीक है तो गर्ल्स टेक केयर आई होप आपको समझ आई होगी अगर कोई इशू रह गया है लेटर में भी भी कोई मैं कोई पॉइंट कवर नहीं कर पाया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक एन अधर वीडियो ठीक है टू ऑबियसली आई हैव टू मेक एन अदर वीडियो टू गाइड यू अबाउट दैट Thank you guys. Allah Hafiz. Take care.